नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। नवाडीह प्रखंड के ऊपर घाट स्थित देगा गढ़ा में आदिवासी सेंगेल अभियान के द्वारा बिरसा मुंडा जयंती सह झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता नवाडीह सेंगेल प्रखंड अध्यक्ष करमचंद मुर्मू तथा संचालन सेंगेल प्रखंड संयोजक हरि नारायण मुर्मू ने किया। मुख्य अतिथि को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदिवासी सेंगेल अभियान के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष देव नारायण मुर्मू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिरसा मुंडा जयंती के साथ झारखंड स्थापना दिवस भी है। वीर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के द्वारा एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें जल जंगल जमीन को बचाने का संकल्प लिया गया। इसी का परिणाम है कि अंग्रेजों ने हम आदिवासियों के जमीन बचाने का कानून सुरक्षा कवच के रूप में सीएनटी एक्ट को बनाया। वीर सिंधो मुर्मू और बिरसा मुंडा का ही सपना था, अबुआ दिशुम रे अबुआ राज। और इसी बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड प्रदेश का गठन किया गया। लेकिन अभी झारखंड अलग हुए 22 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ यानी झारखंडी आदिवासी मूलवासियों की ना तो जमीन बच रही है, ना नौकरी बच रही है, ना इज्जत बच रही है, क्योंकि जो भी यहाँ अभी तक सरकारें बनी हैं सभी ने झारखंडी आदिवासी मूलवासियों को लूटने का काम किया है। सभी सरकारों ने सीएनटी एसपीटी कानून को तोड़ने का काम किया है। आज यहाँ नवाडीह प्रखंड के डेगागढ़ा में आदिवासी सेंगेल अभियान की ओर से बिरसा जयंती सह झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया, और इसमें हम देवनारायण मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और यहाँ सभा को संबोधित किए, लोगों को बताए कि आज ही के दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और बिरसा मुंडा बहुत कम उम्र में आदिवासियों के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े और उन्होंने बचाया। उन्हीं के नेतृत्व में सीएनटी कानून बना, जो आदिवासियों का जमीन का सुरक्षा कवच है। लेकिन आज पूरे झारखंड में सभी पार्टियों और जन संगठनों के द्वारा बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बिरसा जयंती मनाने का मकसद बिरसा के सपनों को पूरा करना, लेकिन बाकी नेता, बाकी पार्टी, बाकी संगठनों के पास बिरसा मुंडा के सपनों को पूरा करने का सपना नहीं है। आदिवासी सेंगेल अभियान के पास ही उसके सपनों को पूरा करने का लालच है, क्योंकि झारखंड में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में बने कानून सीएनटी को 3 बार तोड़ा गया, 2010 में, 2016 में और 2021 में। तीनों बार आदिवासी सेंगेल अभियान के नेतृत्व में और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सलखान मुर्मू के नेतृत्व में इसको बचाया जा सका है। बाकी नेता, बाकी पार्टी सिद्धू मुर्मू के गला को घोटने वाले हैं, उनके सपनों को बचाने वाले, उसको सपनों को साच करने वाले नहीं हैं। इसलिए आज सिर्फ बिरसा मुंडा के चित्र पर माला अर्पण करके फोटो खिंचवा लेने से नहीं होगा, बल्कि बिरसा मुंडा के सपनों को कौन सच कर रहा है, उसके सपनों को कौन बचा रहा है, ऐसे नेता, ऐसे संगठनों को पहचानना होगा। वी टाइम न्यूज के लिए बेरमो झारखंड से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट।